अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो 2 + 7 आयोटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट लेट करेंगे हम, जेड किसके बराबर है, जेड बराबर है 2 + 7 आयोटा के। ठीक है ना, तो टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, इसका साइन क्या है, ये इसी में पता चलेगा। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट का ये साइन है जेड के ऊपर इस तरह का बार वाला घेर लगाए, तो ये कॉन्जुगेट है। ठीक है ना, तो जेड कॉन्जुगेट बराबर है 2 + 7 आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, तो ये जेड कॉन्जुगेट बराबर है किसकी, ये क्या करेगा, इस रियल पार्ट पे असर नहीं करेगा, तो यानी कि 2 है एज इट इज लिखा जाएगा, ये असर करेगा इमेजिनरी वाले पार्ट पे जिस पे आयोटा है। ठीक है ना, तो इस पे असर करेगा, ये प्लस है तो इसका साइन क्या करेगा, माइनस करेगा, अगर माइनस है तो इसका साइन क्या करेगा, प्लस करेगा। अब ये प्लस है तो 2 - 7 आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान है कॉन्जुगेट लेना। ठीक है ना, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 5 - 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर को खोलेंगे, सॉल्यूशन ये लेट करें, लेट जेड इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा का स्क्वायर। अभी इस पे फार्मूला कौन लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है, उसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये सी वही ये फॉर्म बन रहा है इधर, ये फॉर्म इधर बन रहा है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है, 5 है, तो क्या जाएगा, जेड इज इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस 2 ए हमारे पास क्या है, 5 है, ये 5, बी हमारे पास क्या है, 7 आयोटा है, तो ये 7 आयोटा, प्लस है ये, तो ये प्लस हो गया, बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है, 7 आयोटा है, तो 7 आयोटा का स्क्वायर। अभी जेड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 = 25 माइनस 2 × 5 = 10, 10 × 7 = 17 की 70, 70 आयोटा, प्लस ये प्लस हो गया, 7 × 7 = 49, 49 आयोटा पे स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आयोटा, मैं इस तरह करता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे। ठीक है ना, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या जाएगा, जेड इज इक्वल टू 25 - 70 आयोटा। ठीक है, आयोटा प्लस 49 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, इधर हवाला दे दें कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ठीक है, फिर इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद आ जाएगा जेड इज इक्वल टू 25 - 70 आयोटा प्लस माइनस -49। ठीक है, अभी इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को रियल पार्ट वालों को जमा करें, तो जेड इज इक्वल टू 25, इनके 5 और 9 = 14, 1 कैरी 1 और 2 = 3, 3 और 4 = 7, तो 74 -70 आयोटा। क्या करेंगे, अभी कॉन्जुगेट लेंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 74 - 70 आयोटा। ठीक है ना, एक कॉन्जुगेट का सिंबल लगाए, ये मैंने आप लोग को बताया था, कॉन्जुगेट लेंगे तो इस पे असर करेगा, अगर ये प्लस है तो माइनस करेगा, अगर माइनस है तो क्या करेगा, प्लस करेगा, तो ये एज इट इज आ गया। अभी इसके साइन को चेंज करेगा, माइनस है तो क्या करेगा, प्लस 70 आयोटा, विच इज योर
आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।